साथियों, आज गोवा सिर्फ कोविड टीकाकरण में अग्रणी नहीं है बल्कि विकास के अनेक पैमानों में देश के अग्रणी राज्यों में है। गोवा का जो रूरल और अर्बन क्षेत्र पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त हो रहा है, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी गोवा में अच्छा काम हो रहा है। गोवा देश का ऐसा राज्य है जहां 100% बिजलीकरण हो चुका है, हर घर नल से जल के मामले में तो गोवा ने कमाल ही कर दिया है। गोवा के ग्रामीण क्षेत्र में हर घर में नल जैसे जल पहुंचाने का प्रयास प्रशंसनीय है। ये जल जीवन मिशन के तहत बीते 2 साल में देश ने अब तक लगभग 5 करोड़ परिवारों को पाइप के पानी की सुविधा जोड़ा है। जिस प्रकार गोवा ने इस अभियान को आगे बढ़ाया है, वो गुड गवर्नेंस और ईज ऑफ लिविंग को लेकर गोवा सरकार की प्राथमिकता को भी स्पष्ट करता है। भाइयों और बहनों, सुशासन को लेकर यही प्रतिबद्धता कोरोना काल में गोवा सरकार ने दिखाई है। हर प्रकार की चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार ने जो भी मदद गोवा के लिए भेजी, उसको तेजी से बिना किसी भेदभाव के हर लाभार्थी तक पहुंचाने का काम गोवा की टीम ने किया है। हर गरीब, हर किसान, हर मछुआरे साथी तक मदद पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। महीनों महीनों से गोवा के गरीब परिवारों को मुफ्त राशन पूरी ईमानदारी के साथ पहुंचाया जा रहा है। मुफ्त गैस सिलेंडर मिलने से गोवा की अनेक बहनों को मुश्किल समय में सहारा मिला है। गोवा के किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि से करोड़ों रुपए सीधे बैंक अकाउंट में मिले हैं। कोरोना काल में ही यहां के छोटे किसानों को मिशन मोड पर किसान क्रेडिट कार्ड मिले हैं। यही नहीं, गोवा के पशुपालकों और मछुआरों को पहली बार बड़ी संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिली है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत भी गोवा में रेहड़ी पटरी और ठेले के माध्यम से व्यापार करने वाले साथियों को तेजी से लोन देने का काम चल रहा है। इन सारे प्रयासों की वजह से गोवा के लोगों को बाढ़ के दौरान भी काफी मदद मिली है।